प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम आपके लिए जो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं वह प्रॉब्लम एसएससी की परीक्षा में 2005 में आ चुकी है। आज की प्रॉब्लम अनुपात से संबंधित है। आज की प्रॉब्लम है यदि 3a प्लस 5b अनुपात 3a माइनस 5b बराबर 5:1 हो तो ए अनुपात बी बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात आपको ए अनुपात बी का मान ज्ञात करना है। क्लियर? आपको ये एक अनुपात दिया हुआ है, इस अनुपात की सहायता से आपको ए अनुपात बी का मान ज्ञात करना है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आपको ये ज्ञात होना चाहिए यदि एक्स बटे वाई बराबर 7/8 लिखा हुआ है, मान लीजिए तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं x अनुपात y इज इक्वल टू 7:8। और यदि मान लीजिए लिखा हुआ है a अनुपात b बराबर x अनुपात y, तो इसको लिख सकते हैं हम a बटे b इज इक्वल टू x बटे y। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि भिन्नों के रूप में इस प्रकार से दिया हुआ है तो उसको अनुपात के रूप में इस प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं, और यदि अनुपात के रूप में इस प्रकार से दिया हुआ है तो उसे भिन्नों के रूप में इस प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं। अब चूंकि यहां पर हमारे लिए ए अनुपात बी का मान ज्ञात करना है, इसलिए प्रश्न को सॉल्व करते समय हम ये प्रयास करेंगे कि हमारा ए बटे बी, प्रश्न की सहायता से हम ए बटे बी बराबर समथिंग मान निकाल लें, फिर हम उससे ए अनुपात बी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए हमने लिखा दिया है 3a प्लस 5b अनुपात 3a माइनस 5b बराबर 5:1। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगर इस रूप में लिखा हुआ है तो इस रूप में लिख सकते हैं, तो इसी नियम के आधार पर हम लिख सकते हैं 3a प्लस 5b बटे 3a माइनस 5b बराबर 5:1। अब ये एक समीकरण प्राप्त हो गया है आपको। इस समीकरण को कैंची की गुणा करके हम a बटे b का मान निकालेंगे, तभी हमारे लिए a अनुपात b का मान ज्ञात हो जाएगा। तो इस पर कैंची की गुणा करेंगे तो ये गुणा जो है हम LHS में लिख लेंगे और इसकी गुणा हम RHS में लिख लेंगे, तो हमें फल प्राप्त होता है 5 (3a) माइनस 5b ब्रैकेट बंद बराबर, इसकी गुणा लिखेंगे 1 (3a) प्लस 5b ब्रैकेट बंद। अब इस ब्रैकेट के पहले 5 लिखा हुआ है, इस ब्रैकेट और इस संख्या 5 के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, इसलिए गुणा का चिन्ह माना जाएगा। इसलिए इस 5 से इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी राशियां हैं उन प्रत्येक राशि को गुणा करना पड़ेगा, तो LHS में हमें फल प्राप्त होगा 15a माइनस 25b बराबर ये आ जाएगा। RHS में ब्रैकेट से पहले 1 लिखा हुआ है, इसलिए 1 से जब अंदर वाले पदों को गुणा करेंगे तो सब उतना ही रहेगा, तो RHS में हमें फल प्राप्त होगा 3a प्लस 5b। अब इससे हम a बटे b का मान निकालने का प्रयास करेंगे, तो a बटे b का मान निकालने का जब प्रयास करना चाहते हैं हम, तो RHS में जो 3a है उसको हम RHS से LHS में ले जाएंगे और उसके चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, और ये 25 माइनस के 25b जो है LHS में है, ये LHS से RHS में ले जाएंगे तो इसके चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। तो ये क्रिया करने के बाद हमें फल प्राप्त होगा 15a माइनस 3a बराबर 5b प्लस 25b। LHS को सॉल्व करने के बाद हमें फल प्राप्त होगा 12a बराबर 30b। तो हमारे लिए फल प्राप्त होता है 12a बराबर 30b। अब इसको हम a बटे b बराबर समथिंग बनाएंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ये जो RHS में 30 गुणा b है इसमें b को जो है हम LHS के हर में ले जाएंगे, और RHS में जो 12a है इस a के गुणांक 12 को हम RHS के हर में ले जाएंगे, तो हमें फल प्राप्त होगा a बटे b बराबर 30/12। क्लियर? अब हम देखते हैं RHS में 30/12 जो लिखे हुए हैं उसमें 6 गुणनखंड जो है उभयनिष्ठ है, इसलिए अंश और हर दोनों को हम 6 से भाग देंगे,
तो हमें फल प्राप्त होगा 6×5 पांच अंश में प्राप्त होंगे और 6×12 हमें हर में प्राप्त होंगे, तो हमें फल प्राप्त होता है a/b = 5/2। और जैसा कि हमने आपको बताया था, यदि मान लीजिए x/y = 7/8 लिखा हुआ है तो इसको आप लिख सकते हैं x/y = 7/8। इसी नियम के आधार पर इससे हमें यह फल प्राप्त हो जाएगा a/b = 5/2। अर्थात हमसे a/b का मान पूछा था, हमारे लिए a/b का मान प्राप्त हो जाता है और वह मान जो है वह 5/2 के बराबर है उत्तर। इस प्रकार से ये प्रश्न सॉल्व हो जाता है। आपको सभी इस क्रियाएं करने का स्पष्ट होना चाहिए कि कौन सी क्रिया किस प्रकार से किया जाता है, किन संकेतों का क्या मतलब है, क्या नियम है। आपके सभी प्रश्न सही जाएंगे। ये प्रश्न पूरा हो गया। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।